हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत इन प्यारे प्यारे पॉपी के फ्लावर्स के साथ। हाँ, ये आज एक ही प्लांट पे 3 पॉपी के फ्लावर खिले हुए हैं। बहुत प्यारे कलर लग रहे हैं इनके। और फ्रेंड्स, ये पॉपी के जो प्लांट है मैंने सीड से ग्रो किए थे, और बहुत सारे प्लांट निकले हैं लेकिन सबसे अच्छा फ्लावर इसी का निकला है। इसमें कलियां तो बहुत टाइम से आ रही हैं लेकिन जब भी आती थी तो बंदर खा जाते थे। फिर मैंने इसको पीछे की तरफ प्लांट की आड़ में और जो दूसरे पौधे हैं उनके पीछे शिफ्ट किया, तो मुझे आज ये फ्लावर इसके मिल पाए हैं और बर्ड्स भी इसकी बच पाई हैं। तो फ्रेंड्स, इसके सीड्स जो हैं वो बहुत ही बारीक बारीक होते हैं और बड़ी आसानी से ग्रो होने वाले होते हैं। वैसे तो जितने भी सीड्स डालो सारे ही ग्रो हो जाते हैं। मैंने नवंबर के महीने में इनको ग्रो किया था और बहुत जल्दी इनके प्लांट ग्रो हो गए थे, लेकिन ठंड बहुत थी अब की बार, इसलिए इसमें फ्लावरिंग जो है वो थोड़ी देर से स्टार्ट हुई थी। और जब इसमें कलियाँ आईं तब मेरे फूल खिल नहीं पाए, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि बंदरों ने सब नोच डाले। इसमें मेरा ये एक सनफ्लावर का प्लांट लगा हुआ है, इसको भी वो 2 बार तोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें कलियाँ आ गई हैं और फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसको बेलड्रेन मिट्टी में जो है वो ग्रो करना चाहिए, जैसे कि गोबर की खाद और सैंड 50-50 मिला लीजिए, या कंपोस्ट कोई भी आपकी हो तो 50% कंपोस्ट और 50% सैंड। और अगर आप कोकोपीट में ग्रो करना चाहते हैं तो कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें ग्रो करिए इसको। और कुछ ही दिनों में इसके प्लांट्स निकल आते हैं, फिर उनको आप जहाँ चाहें वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इसकी मिट्टी बनाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा खाद मत मिलाइएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसमें 20 या 30% खाद मिलाइए, गोबर की खाद मिलाएं चाहे कंपोस्ट मिलाएं, और इसकी मिट्टी को बेलड्रेन बनाइए जैसे कि हम अपने सभी प्लांट्स की बनाते हैं। क्योंकि जाड़ों के जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें जो हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं और नाजुक होती हैं, तो उनकी मिट्टी भी बेलड्रेन बनानी चाहिए वरना हमारा पौधा मर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 2 तरीके के पॉपी के सीड्स जो है वो ग्रो किए थे। एक तो ये वाला पॉपी जो हमारा सभी जगह मिल जाता है, और दूसरे मैंने ये कैलिफोर्निया पॉपी भी ग्रो किए थे। और इसके भी मेरे लगभग सारे ही प्लांट्स जो हैं, मतलब सारे ही सीड्स जो हैं वो ग्रो हो गए और बहुत सारे प्लांट्स निकले। तो इस तरीके का इसका फूल होता है, देखिए जो बीच में है वो डार्क कलर है येलो, और साइड में इसकी पत्तियां जो हैं वो लाइट येलो हैं। थोड़ा सा इस वाले फ्लावर में और इस वाले फ्लावर में मुझे अंतर लग रहा है, ये पूरा एक ही कलर लग रहा है फ्रेंड्स। बहुत हल्का सा जो है वो बीच में डार्क है, और ये वाला फूल देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा बीच में ज़्यादा डार्क है और पत्तियाँ थोड़ी लाइट है। तो 2 तरीके के ये येलो में भी 2 तरीके के निकले हैं, ये मैंने अभी ध्यान किया। तो जो भी है, फूल तो कोई भी हो तो अच्छे ही लगते हैं। ये देखिए दोनों साथ में अलग अलग प्लांट के हैं, तो थोड़ा अंतर है। ये वाला थोड़ा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है, और ये पूरा एक ही कलर है। और इसमें भी खूब बर्ड्स आ रही हैं, और छोटे छोटे ये नमकीन के पैकेट है, और ये एक छोटा सा पेंट का डिब्बा है, इसमें ग्रो कर दिए थे मैंने। और देखिए ये भी ग्रो हो रहे हैं, सब में बर्ड्स आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। वैसे तो ये छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार आप चाहें तो इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं थोड़ा सा। और इसकी पिंचिंग वैसे तो नहीं है, लेकिन जब आपका फ्लावर स्पेंड हो जाए तो आप ये इसको यहाँ से इसकी जो स्टेम है इसको कट कर दीजिए, तो आपकी न्यू न्यू ग्रोथ होती रहेगी और कलियाँ आती रहेंगी। लास्ट में जब इसका सीजन ऑफ होने वाला होता है तब आप इसमें सीड बना लीजिए। ये जो आपको ये दिख रहा है बीच में गोल गोल, ये इसमें इसके सीड होते हैं, बहुत बारीक बारीक होते हैं। तो लास्ट में, अभी तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है, खूब कलियाँ आ रही हैं, तो इसको अभी मैं जो है सीड नहीं बनाऊंगी और मेरा फ्लावर स्पेंड हो जाएगा, तब मैं इसको कट कर दूंगी जिससे कि मुझे और फ्लावरिंग मिल सके।
तो बस फ्रेंड्स, ये जो है वो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा केयर भी ज़रूरत नहीं होती है। इसको अपने गार्डन में लगाइए। अब तो सीजन जा रहा है, लेकिन अगर आपके यहाँ हैं तो इसकी केयर के बारे में कुछ मैं आपको बता रही हूँ। मेरा फ्लावर अभी खिला है, इसलिए मैंने इसको आपके साथ अभी शेयर किया है। और इसमें कई सारे कलर आते हैं मेरे पास। इसके तीन कलर हैं, एक ये रेड है, एक ऑरेंज है और एक लाइट पिंक सा है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑरेंज कलर है और ये लाइट पिंक बल्कि वाइट जैसा ही है। तो ये देखिए कितना खुशी से झूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी खिली हुई है। तो ये प्लांट मेरे छोटे ही रह गए क्योंकि बहुत शेलो पॉट में लगे हुए हैं। एक अटैची है, सूट केस है, उसमें लगे हुए हैं। तो ये जो है देखिए, लेकिन इसमें भी ये खिल रहे हैं बहुत अच्छे से। और ये देखिए ये कितने लंबे लंबे हो गए हैं प्लांट। इसमें भी दो शेड हैं, एक ये पर्पल है और एक ये लाइट पर्पल। सॉरी। ये देखिए इसमें भी पॉपी के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं और ब्लूम कर रहे हैं। ये देखिए ये इसका सीड पॉड बन रहा है, तो मैंने इसका अभी फूल झड़ा, अभी अभी झड़ा है फूल हवा से। तो इस तरीके का इसका सीड पॉड होता है। और ये देखिए एक कलर, और इस प्लांट का नाम मुझे याद नहीं रहता है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं इसके, मुझे इसका नाम याद नहीं रहता है। ये देखिए इसका पर्पल कलर कितना प्यारा है और बहुत सारे लगे हुए हैं ये। तो फ्रेंड्स, पॉपी जो है वो आप अपने गार्डन में ग्रो करिएगा। और कई कलर में आता है ये, तीन कलर मेरे पास इसके हैं और दो शेड इसमें मेरे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट करिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।